नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, घर में कुशल मंगल होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कक्षा 2, है ना। और हमारा पाठ है 3, कौन बोला म्याऊं। म्याऊं कौन बोलते हैं आप सब जानते हैं ना, बिल्ली बोलते हैं, बिल्ली बोलती है म्याऊं। तो यहाँ पे एक कहानी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर कीजिए। प में किसकी मात्रा है? छोटा ए की। पी और अधा ला मिले ला पिल्ला, अधा मा मिले या उं म्याऊं। आ वाज आवाज, मेढक, फुदक, भीन भीन, मधु मधका मिलखी मधुमक्खी, झाड़ी झाड़ी, टर 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 टर। चलिए पढ़ते हैं। एक पिल्ला खाट खाट के नीचे सो रहा, तभी तभी आवाज आवाज सुनाई सुनाई दी, मी याऊ म्याऊ। एक जो पिल्ला है, देखिए यहाँ पे आप लोग को चित्र में दिख रहा है, पिल्ला मिस होता है कुत्ते का बच्चा। वो किसके नीचे सो रहा था? खाट के नीचे, मतलब जो हम लोग पलंग बोलते हैं ना, खाट, उसके नीचे सो रहा था। तभी आवाज़ सुनाई दी, तभी उसको अचानक क्या आवाज़ सुनाई दी? म्याऊ की आवाज़ सुनाई दी, है ना। पिल्ला पिल्ला झट झट उठ उठ बैठा, पिल्ला झट उठ बैठा, इधर इधर उधर देखा, आवाज़ आवाज़ कहाँ से आई। पिल्ला, अब वो आवाज़ उसके लिए नया था, है ना, तो वो झट से उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा कि ये जो म्याऊं की आवाज़ है वो कहाँ से आई है। कहीं कहीं, कोई कोई, ना ही नहीं था। इधर उधर देखा तो उसे पता चला कि आसपास कोई नहीं था। वह वह घर घर से बाहर बाहर आया, वह घर से बाहर आया, तभी पास की झाड़ी झाड़ी में से एक एक चूहा कूद कर सामने आया। अब अपने उस आवाज़ को पता लगाने के लिए पिल्ला क्या किया, अपने घर से बाहर निकला और पास की झाड़ी में से क्या आया जी, एक चूहा कूद कर सामने आया, है ना। ये देखिए पिक्चर में आप लोग को दिख रहा है कि झाड़ी से क्या आया, चूहा कूद कर सामने आ गया, है ना। तो वो पूछने लगेगा, देखना। पिल्ले ने पूछा क्या तुम बोले, क्या तुम बोले म्याऊं। पिल्ला जो है चूहा से पूछ रहा है कि क्या तुम म्याऊं बोले हो ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ची ची बोलता हूँ। तो चूहा ने जवाब दिया कुत्ते को, नहीं मैं तो क्या बोलता हूँ जी, ची ची बोलता हूँ, है ना। आप लोगों ने सुना है चूहा ने बोला कि मैं ची ची बोलता हूँ। सुने हो ना, आप सबके घर में चूहा आता है जो चीजें कुतर देता है। नेक्स्ट है पिल्ला फूल के पौधे के पास पहुँचा। अब पिल्ला चलते चलते कहाँ पहुँचा? फूल के पौधे के पास पहुँचा। फूल पर एक मधु मक्खी बैठी थी। फूल पर क्या बैठी थी? एक मधुमक्खी बैठी थी। देखिए ये मधुमक्खी उड़ रही है,
पिल्ले ने पूछा, पूछा क्या तुम बोली बोली म्याऊं। पिल्ले ने किससे पूछा, मधुमक्खी से पूछा, क्या तुम म्याऊं बोली हो। तो देखिए अब मधुमक्खी क्या बोलती है, नहीं नहीं मैं तो भिन भिन करती हूँ। मधुमक्खी बोल रही है कि मैं म्याऊ नहीं बोलती, मैं भिन्न भिन्न करती हूँ। फिर आवाज आवाज आई म्याऊ। अब कुत्ते के कान में फिर से आवाज आई म्याऊ करके, है ना। तालाब के किनारे किनारे एक मेंढक बैठा था। तालाब के किनारे क्या बैठा था, एक मेंढक बैठा था। देखिए चित्र में यहाँ दिख रहा है ना, मेंढक बैठा हुआ है। पिल्ले ने मेंढक से पूछा। अब पिल्ले ने कुत्ते के बच्चे ने किससे पूछा, मेंढक से, क्योंकि तालाब के किनारे उन्होंने क्या देखा, मेंढक। क्या तुम बोले बोले म्याऊं। तो मेंढक ने जवाब दिया, मैं तो टर टर बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, टर टर बोलता हूँ, मैं म्याऊ नहीं बोलता। फिर आवाज आई म्याऊ। कौन बोला म्याऊ, फिर से आवाज आई, क्या आई, म्याऊ करके, है ना। तो वो बिल्ली, देखिए यहाँ पे बिल्ली है, बिल्ली क्या बोल रही है, मैं बोली म्याऊ। तो आप लोग को भी पता चल गया म्याऊ कौन बोलता है जी, बिल्ली बोलती है म्याऊ, है ना। तो ये जो कहानी है उसको आप लोग एक बार घर में पढ़िए और मात्राओं के साथ उच्चारण करके अपने कॉपी में लिखकर भी देखिए, इससे आपका अक्षर सुधरेगा, है ना। चाहे तो आप एक कुत्ते का पिक्चर भी बना सकते हैं। ओके धन्यवाद।